हम उनका मर्डर भी ना करें, पंचायत करेंगे हम उसको ठोकेंगे और जिसकी इमारत उतला रोक ले। हरियाणा के आसिफ मामले पर करनी सेना प्रमुख का बयान वायरल, लोगों ने लिया आड़े हाथों। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वो हमारी अश्लील वीडियो बनाए और हम उनका मर्डर भी ना करें। सूरजपाल अमू नूह में आसिफ हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों को लेकर आयोजित महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आसिफ जैसे लोग हमारी बहन बेटियों की अश्लील वीडियो बनाए और हम उनका मर्डर भी ना करें। हमारे बच्चे निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ा जाए। महापंचायत में उनकी बात को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। सोशल मीडिया में उनके भाषण का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। पत्रकार विनोद कापड़ी द्वारा वीडियो ट्वीट किए जाने पर मेराज सिद्दीकी नाम के एक यूजर ने लिखा कि देश बर्बादी के रास्ते पर बहुत पहले ही चल चुका है, अब तालिबान बनता जा रहा है, अब हत्या करने वाले के सपोर्ट में महापंचायत शुरू हो गया है, दो चार मुस्लिमों को मारो फिर तुम्हें हिंदू महासभा बचा लेगा, अब भारत को कोई नहीं बचा सकता है, आरएसएस अपने मकसद में 50% कामयाब हो चुका है। जय किसान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि ये व्यक्ति उस समय नहीं खड़ा हुआ जब हिंदुओं को दवा, ऑक्सीजन, शमशान ले जाने के लिए कंधों की आवश्यकता थी, जैसे ही घृणा फैलाने का अवसर मिला तुरंत हाजिर। वहीं इंद्रजीत बराक नाम के यूजर लिखते हैं, ये धर्मखोर लोगों को भड़काकर खुद बिल में छुप जाते हैं और दिमागी नसबंदी के लोग सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ जाते हैं। तो वहीं विनोद कापड़ी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए आरजे साइमा लिखती है, ये देखिए हत्या पे तालियां पीटी जा रही है, 50,000 लोग जमा है कोरोना काल में और इन पे कोई कार्रवाई नहीं, दरिंदगी फैलाई जा रही है इस देश में, चुप्पी ही आज मौत का नाम है, #justiceforasif। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।